जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल क्लास एसएससी जीडी की, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो हमारा ये जो बैच है वो अब शुरू हो रहा है, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि एसएससी जीडी की जो हमारी क्लासेज है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसका ये डेमो है, तो डेमो आप देखिए कैसे हमारी ये क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। पहला सवाल आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन है आपका कि विटामिन ई का रासायनिक नाम बताएं। क्वेश्चन है विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो हम जान लेते हैं विटामिन ई से जुड़े हुए सवाल, जैसे कि इसकी कमी से जो है शरीर में प्रजनन क्षमता जो है वो कमी होती है, पहला सवाल का आंसर रहेगा इसका। साथ में ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है। विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर में किस प्रकार का कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। अगला है इससे हमारा यानी कि ब्यूटी सौंदर्य और विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है, ब्यूटी का विटामिन किसे कहा जाता है। तो विटामिन ई को जो है सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। वैसे ही हम और जान लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है बच्चो रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल है, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में देख लीजिए क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और शुष्क शिपांक यानी कि जो हमारा शरीर है वो खुश्क हो जाता है, ये रोग होता है। दूसरा, इसके लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए और गोल्डन राइस में पाई जाती है ये ज्यादातर विटामिन ए। और सबसे ज्यादा जो विटामिन ए है वो गाजर में पाई जाती है, ये भी बहुत ज्यादा जो है अग्निवीर के प्रश्नों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही साथ में ये मानव शरीर में यकृत और मैन इसका निर्माण होता है विटामिन ए का। और विटामिन ए और बी की जो है मैकुलन ने जो है इसका आविष्कार किया था, यानी कि खोज की थी। तो खोजकर्ता जो थे विटामिन ए के वो कौन थे, वो थे मैकुलन। मैकुलन जो है वो विटामिन ए की खोजकर्ता थे और विटामिन ए जो है वो मानव शरीर को संक्रमण से यानी कि रोगों से बचाने के लिए जो है वो हेल्पफुल है। दूसरा है ये एट एंटी कैंसर, क्या है ये, एक एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है इसे। इस विटामिन को, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। अगला सवाल है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम जान लेते, थायमिन जो है विटामिन बी का जो है वो रासायनिक नाम है। विटामिन बी से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी के ही समूह में आते हैं ये। विटामिन बी थ्री आता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम आ जाता है नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन होता है। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है, कुछ भी इसी तरीके से आपसे पेपर में पूछेंगे, पेंटाथेनिक। क्या नाम होगा, पेंटाथेनिक, फाइव है इसलिए पेंटा लगता है, याद होगा बच्चों को। विटामिन बी के ही समूह में आते हैं बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी सिक्स का है पायरीडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरीडॉक्सिन जो है वो इसका सही नाम होगा। इसी प्रकार से विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बहुत ही डीपली पूछा जाता है, बहुत बार पूछे जाने वाला, बायोटिन। क्या नाम है, बायोटिन इसका जो है समूह का नाम है। नेक्स्ट आ जाता है आगे बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, तो फॉलिक एसिड भी बोलेंगे। इसी प्रकार से विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी ट्वेल्व का है राइबोफ्लेविन वॉल नहीं सॉरी 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 साइब साइनोकोवाल्मिन जो है वो उसका B12 का नाम है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, त्वचा का फटना या बेरी बेरी रोग होता है।
बेरी बेरी बहुत ज्यादा, एनीमिया भी ऑप्शन आती है, मानसिक समस्याएं और खून की कमी जो है वो इस कमी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी थ्री की कमी से जो है बालों का सफेद होना यानी कि झड़ना, और प्लेग्रा बीमारी जो है यानी कि मानसिक रोग जो है वो विटामिन बी थ्री की कमी से होते हैं। आगे देख लेते हैं, विटामिन बी फाइव की कमी से डर्मेटाइटिस, थकान और जोड़ों में दर्द जैसे जो है वो रोग सभी होते हैं। इसी प्रकार से विटामिन बी समूह में विटामिन की कमी से नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। विटामिन बी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन तत्व जो है वो पाया जाता है, और साथ में बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है, तो बी ट्वेल्व में पाया जाता है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है प्यारे बच्चों। अब इससे जुड़े हुए तथ्य है, इसकी कमी से यानी कि मसूड़ों में खून निकलना या कि चमड़ी से यानी कि चर्म रोग और स्कर्वी रोग, ये रोग होते हैं विटामिन सी से, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किसमें मिलता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट रहता है, विटामिन सी को अगर हम गर्म करें तो ये नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को जितना गर्म करेंगे उतना ही नष्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये विटामिन मानव शरीर को में जो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल बनाने में भी सहायक होता है। विटामिन डी पर आ जाते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शंस तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही दूंगा, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल जो है वो इसका आंसर है। तो विटामिन डी से जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑक्सीटोक्सिमलेशियम यानी कि अस्थि मृदुता का रोग होता है, यानी कि शरीर में हड्डियों का जो है वो रोग होता है। दूसरा है, विटामिन डी की कमी से जो है कैल्शियम की कमी जो है हो जाती है, यानी कि हड्डियों में जो है हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट आता है, हार्मोन भी यानी कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, इसमें हार्मोन भी कहा जाता है इनके। नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो के का नाम रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनने में यानी कि पपड़ी बनने में जो हेल्प करता है, विटामिन के है जो हेल्प करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी जो है ये जल में घुल जाते हैं, ठीक है, जैसे हम नींबू वगैरह देखते हैं तो घुल जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा के ई डी ए ऐसे रख लीजिएगा, कीड़ा याद रहेगा ए ई डी ए, मैंने के ई डी ए ऐसे उठाया है, आप भी उठा सकते हैं, कैसे मैं बोल रहा हूं, के ई डी ए कीड़ा, तो ये जल्दी से याद हो जाता है, इसलिए मैंने ये आपको विटामिन दिया है बताया है। द्रविड़ शैली में बना मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो द्रविड़ शैली में जो है मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो है तमिलनाडु में, मदुरै में है ये, जो कि तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। तो मंदिरों से जुड़े हुए सवाल है, तमिलनाडु में के प्रसिद्ध मंदिर बताता हूं मैं आपको कौन से, रामनाथ स्वामी मंदिर है एक, नटराज मंदिर भी तमिलनाडु में अवेलेबल है, कपलेश्वर मंदिर है, विद्येश्वर मंदिर है, और कुमारी अमन मंदिर है, और बाला मुरुगन मंदिर है। ये तमिलनाडु के बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस आएंगे, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है किस शैली में किया गया है, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर कहाँ है मध्य प्रदेश में,
तो वो किस शैली में है? तो वो है नागर शैली में। कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंदिर रहते हैं? उज्जैन का जो है महाकालेश्वर मंदिर आता है, ओंकारेश्वर मंदिर आता है, इसी प्रकार से रजराना मंदिर आता है, चतुर्भुज मंदिर यानी कि ओरछा और खुजराहो में है, 64 यामिनी मंदिर है जो कि खुजराहो, जबलपुर, भेड़घाट और मुरैना में है। तो ये इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं वो हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और किस राज्य में है? तो मीठे पानी की झील, झीलों से जुड़े सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। तो बुल्लर झील जो है जम्मू कश्मीर की, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो झीलों पर है, जम्मू कश्मीर में डल झील है, नागिन झील है, इसके बाद आती है मनसबल झील है, इसके बाद है सुरसिर झील है, और लास्ट में आती है मानसर झील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं जम्मू के झीलों से जुड़े हुए सवाल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी? और इस क्लास के लिए कमेंट करिएगा कि आपको वीडियोस इस तरीके से और डिटेल्स में चाहिए, तो कमेंट सेशन में बताइएगा। तब तक लिए बने रहिएगा विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।